हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई होप यू डांस प्लस के अंदर आप सबका स्टूडेंट प्रमोशन का वर्क तो कंप्लीट हो चुका होगा और आप सब टीचर्स का धन्यवाद, क्योंकि हमने जो यू डांस प्लस के अंदर स्टूडेंट प्रमोशन के वीडियोस बनाए थे तो उसको 24,000 से ज़्यादा टीचर्स ने अभी तक देखा हुआ है और उसको लाइक भी किया हुआ है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आगे भी हम इसी तरह के वीडियोज लाते रहेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे जैसे ही हम नया कोई वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे यू डैश प्लस के अंदर स्टूडेंट को इम्पोर्ट कैसे करना है वो देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉग इन कर लेता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे स्कूल लॉग इन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ टीचर्स ने हमें कमेंट किया हुआ था कि हमारे स्टेट में यहाँ पे 2024-25 का जो डैशबोर्ड है वो शो नहीं हो रहा है। तो उनको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपने वहाँ पे स्टेट मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हो सकता है कुछ स्टेट में ये अभी तक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं की गई हो, लेकिन जल्द ही हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे करंट एकेडमिक ईयर जो है वो 2024-25 पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये जो है करंट एकेडमिक ईयर का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे कुछ टीचर्स ने और एक क्वेश्चन किए हुए थे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ऐड करने के लिए यहाँ पे फैसिलिटी अभी तक शुरू नहीं हुई है क्या? तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हाँ, अभी तक जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड को ऐड करने की फैसिलिटी नहीं दी हुई है। तो जैसे ही यहाँ पे कुछ अपडेट आता है तो उसके बारे में भी हम आपको वीडियो देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो है अभी तक यहाँ पे 0 ही स्टूडेंट शो हो रहे हैं। तो जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल पर वो अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स आपके स्कूल में आए हुए हैं इस एकेडमिक ईयर में, तो उनको यहाँ पे किस तरह से इम्पोर्ट करके आपके स्कूल में लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे इम्पोर्ट मॉड्यूल दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इम्पोर्ट मॉड्यूल। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, इम्पोर्ट विद इन स्टेट, इम्पोर्ट आउटसाइड स्टेट और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर वो स्टूडेंट आपके ही स्टेट से यानी सेम स्टेट से आपके स्कूल में आया हुआ है तो आप यहाँ पे इम्पोर्ट विद इन स्टेट पे गो पे क्लिक करके जा सकते हैं। अगर वो स्टूडेंट दूसरे स्टेट से आपके यहाँ पे आया हुआ है तो इम्पोर्ट आउटसाइड स्टेट, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब उसके अलावा यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट है, ये जो है ये शॉर्टकट तरीका है। मैं आपको यहाँ पे दोनों ही तरीके बता देता हूँ, दो तरीके से आप स्टूडेंट को इम्पोर्ट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे समझ लीजिए कि सेम ही स्टेट है तो यहाँ से आप उसको जाकर भी उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में भी जाकर वहाँ से भी आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है पहले वो बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे इम्पोर्ट विद इन स्टेट पे पहले क्लिक कर लेते हैं। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट पेंट लगेगा और डेट ऑफ बर्थ लगेगी, यानी जब तक आपको स्टूडेंट का पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तब तक आप यहाँ पे उस स्टूडेंट को यहाँ पे खोज नहीं सकते हैं। और अगर आपको स्टूडेंट पेन और डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है तो यहाँ पे सर्च बाय पेन लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करके स्टूडेंट का आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ डालकर सर्च कर सकते हैं तो आपको स्टूडेंट पेन और डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास स्टूडेंट का पेन नंबर नहीं है तो तब जो है आपको ये ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट ये यहाँ पे यहाँ से आप जल्दी से जल्दी उस स्टूडेंट को इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है अगर आपके पास पेन नंबर है तो इस पे आप पेन नंबर इंटर कीजिए, डेट ऑफ बर्थ इंटर कीजिए और गो पे क्लिक करेंगे तो उस स्टूडेंट की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। और अगर पेन नंबर नहीं है तो यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट है, इसके नीचे यहाँ पे गो पे क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है क्योंकि आपको स्टूडेंट का पेन नंबर नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्टूडेंट किस स्कूल से आपके पास आया हुआ है। तो अगर आपके पास उसका यूडाइस नंबर है उस स्कूल का तो डायरेक्ट यहाँ पे आप उस स्कूल का यूडाइस नंबर डाल सकते हैं और सर्च पे क्लिक करके उस स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में जितने स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे शो होते हैं, तो उसमें से आपके पास जो स्टूडेंट आया हुआ है उसको आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको उस स्कूल का यूडाइस नंबर भी नहीं पता है तो यहाँ पे आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक सिलेक्ट करके फिर वो ब्लॉक के अंदर जितने स्कूलें आए तो वो यहाँ पे शो होते हैं, तो उसमें से जो स्कूल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे अगर यूडाइस नंबर है तो कोई यहाँ पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूडाइस नंबर डालकर आप सर्च करेंगे
तो उनके स्कूल के जितने भी ड्रॉपबॉक्स के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। अब मान लीजिए हमें उस स्कूल का यूडीएस नंबर नहीं पता है, तो अब जो है हमें पहले क्या करना है, स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट उसके बाद यहां पे ब्लॉक सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद उस ब्लॉक के जितने भी स्कूल हैं वो यहां पे आती हैं, लेकिन हमें स्कूल का नाम पता है तो हम यहां पे नाम एंटर कर सकते हैं, तो उससे मैच होने वाले जितने स्कूल हैं वो यहां पे शो होते हैं। तो अब मैं इस स्कूल को सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद यहां पे सर्च पे क्लिक करते हैं। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद उस स्कूल के जो है जितने भी ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट है वो आपके सामने यहां पे शो होंगे। तो ये जो स्टूडेंट है यही स्टूडेंट को हमें इंपोर्ट करना है जो इस स्कूल से हमारे स्कूल में अब आया हुआ है। तो आप यहां पे देख सकते हैं आप इसका परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पेन नंबर यहां पे एंटर किया हुआ है, लेकिन यहां पे आपको कहीं भी उस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ शो नहीं हो रही है, आप यहां पे देख सकते हैं। तो अब हमें एक्शन के कॉलम में इंपोर्ट का बटन दिया हुआ है, तो इस पे क्लिक करके हमें इंपोर्ट कर लेना है। तो अब यहां पे इंपोर्ट पे मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेन नंबर तो यहां पे आ जाएगा। अब आपको डेट ऑफ बर्थ यहां पे एंटर करनी है, यानी आपको डेट ऑफ बर्थ आपके पास होना कंपलसरी है। जब तक आपके पास डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होगी तब तक आप आसानी से उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं यहां पे उस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूं। यहां पे पहले ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं, मंथ और फिर यहां पे डेट। तो अब हमने यहां पे डेट ऑफ बर्थ एंटर किया हुआ है और पेन नंबर जो है वो ऑलरेडी यहां पे सिलेक्टेड है। तो अब मैं यहां पे गो पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप यहां पे गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पे नीचे उस स्टूडेंट की पूरी डिटेल आ जाएगी, करंट स्कूलिंग डिटेल्स और प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल्स भी आपको यहां पे शो होगी। अब जो है नीचे यहां पे प्रोग्रेशन स्टेटस भी दिया हुआ है। अब हमें यहां पे इंपोर्ट करने के लिए यहां पे नीचे देख सकते हैं आप क्लास दिया हुआ है, सिलेक्ट क्लास, उस पर हमें क्लिक करना है। अब वो स्टूडेंट फोर्थ में था और क्लास फिफ्थ के लिए एलिजिबल है, लेकिन यहां पे क्लास सिलेक्ट करने के लिए थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यानी तीनों क्लास यहां पे शो होते हैं। ये जो स्टूडेंट है ये फिफ्थ में हमारे पास आया हुआ है, इसलिए मैं यहां पे फिफ्थ को सिलेक्ट कर लेता हूं। और उसके बाद यहां पे सिलेक्ट सेक्शन में उसका जो सेक्शन है वो यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं और डेट ऑफ एडमिशन, अब वो कौन सी डेट को हमारे पास आया हुआ है वो हमें यहां पे सिलेक्ट करना है। तो अब मैं यहां पे 15 जून को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे डेट ऑफ एडमिशन भी सिलेक्ट हो गई है। अब उसके बाद हमें यहां पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट, हमें यहां पे नीचे कंफर्म पे क्लिक करके कंफर्म कर लेना है। स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड, अब वो जो स्टूडेंट है वो हमारे स्कूल में यहां पे इंपोर्ट हो चुका है। अब अगर आप यहां पे स्कूल डैशबोर्ड चेक करेंगे तो आपको वो स्टूडेंट यहां पे शो होगा। अब हमने जो है फिफ्थ क्लास में उसको इंपोर्ट किया हुआ है, तो अब हमने जो यहां पे इस स्टूडेंट को इंपोर्ट किया हुआ है उसके यहां पे इनरोलमेंट प्रोफाइल में आपको और एक चीज बता देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, अब ये हमने कहीं पे भी अभी एंटर नहीं किया हुआ है, लेकिन इस तरह से यहां पे ये रॉन्ग जो है एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल शो कर रहा है। तो इसको एडिट करने की फैसिलिटी अभी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि आप इस पे क्लिक करेंगे भी तो भी इसको एडिट नहीं कर सकते हैं और इधर करेक्शन के लिए कोई बटन भी नहीं दिया हुआ है। तो आई होप जल्द ही इसको भी करेक्शन करने के लिए फैसिलिटी मिल जाए, जिससे कि जो भी स्टूडेंट को हम इंपोर्ट करेंगे उसमें हम करेक्शन कर सकेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज करके आपको स्टूडेंट को इंपोर्ट करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और इस वीडियो के बारे में या किसी भी वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव होंगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।